ये आदमी मुझे इतना पैसा क्यों दे रहा है? और अचरज में आपने उससे पूछा, ऐसा मैंने क्या किया? आपने तो नाव लाई थी तो उसको मैंने रंग करके तो दे दिया और उसके पैसे भी मैंने लिए हैं, तो अभी चेक क्यों चाहिए? इतना पैसा मुझे क्यों दे रहे? तब उस व्यापारी ने कहा कि मैंने आपको रंगने के लिए नाव दी थी। किस चीज के लिए नाव दी थी? रंगने के लिए नाव दी थी, लेकिन उस नाव में एक छेद था और वो छेद रिपेयर करना मैं भूल गया था। रंगारी हंसने लगा, उससे कहा, अरे वो नाव कलर करते वक्त, रंगाते वक्त मुझे दिखाई दिया था कि वहां छेद है, इसलिए मैंने वो पहली छेद बुझा दी, वो छिद्र बुझा दिया और रंग काम किया। व्यापारी ने कहा, दिस इज वैल्यू एडेड सर्विस, प्रोएक्टिव कहते हैं इसको। एक कामगार को कलाकार में अवतरित देख के कितना भी पैसा अगर उस व्यापारी ने लुटाया होता तो भी कम था। अगर वो बच्चे विदाउट, अगर उसने वो छिद्र पूरा नहीं किया होता, भरा नहीं किया होता, सिर्फ रंग काम करके वो नाव ले लिया होता, क्या उसके बच्चे बचते थे? कितना भी पैसा दो। वैसे ही डीएक्सएल ने, डोंट फील बैड, बट कामगार से कलाकार बनाए हुए हमारे द ग्रेट ट्रेनर, और सच्ची मतलब इनका एजुकेशन की तरफ या तो लीडरशिप की तरफ, प्रेजेंटेशन की तरफ जब भी मैं लगाव देखती हूं, आई फील रियली हैप्पी। ये वैल्यू एडेड सर्विस है, आइसिंग ऑन द केक है, ये कामगार से कलाकार करने की कला है। सीखना चाहते हैं? यस। द सेकेंड क्राउन एम्बेसडर ऑफ पूना एंड द थर्ड क्राउन एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र, द यंगेस्ट, क्योंकि उनको देखते हैं तो कैसा होता है, तरुण बगीचे में से रक्त मजा आते ना, वो न्यू ब्लड चाहिए ना, नेटवर्क में चाहिए। सो हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर प्रवीण सालुंगे सर जी एंड मिसेस आरती सालुंगे मैडम। शायद कोरोना भेजना ही था तो मुझे 6 महीने पहले ट्रेनिंग दे दिया ना, ऐसा लो जो पावर डीएक्सएल हमें या भगवान ही हमें देता है, इसलिए हर प्रॉब्लम को वेलकम करके आगे बढ़ना। उसके बाद जब सब ठीक हो गया तो क्या आ गया? कोरोना, वर्ल्ड लॉकडाउन। 7 महीनों में गांव में था, कितना महीना? 7 महीना में लॉकडाउन, मतलब पुणे से वो बॉर्डर क्रॉस ही नहीं कर सकते आप। और घर में बैठकर करूं क्या? तो मैंने घर में बैठकर पूरा लिखना शुरू किया और 256 पेज का किताब लिख डाला ना उस समय पे। मेरा अगर लाइफ में कुछ मैंने नॉलेज लिया है, मैंने कुछ एजुकेशन लिया है, तो उसको लिखना शुरू कर देते हैं। और यह भी मेरा प्रॉब्लम ही था, आपका भी प्रॉब्लम था कि नहीं था ये? Yes. Yes, yes. लेकिन जिन्होंने ये प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं किया और जिन्होंने सक्सेस के ऊपर फोकस किया, वो क्या हो जाएंगे? वो सक्सेस हो जाएंगे। और जो कोरोना कोरोना बोलते रहेंगे वो शायद अस्पताल। ऐसा नो, बहुत सारे लोगों को लाइफ में हुआ है और इसकी वजह से दोस्तों आज क्राउन एम्बेसडर आपको जन्म देखने को मिला। और एक क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद भी बहुत बार ये होता है दोस्तों, टीम के साथ अनबन होगी कि नहीं होगी? कई बार होगी और ये रियलिटी है, ये होता रहता है। कभी आपका सोच उनका सोच एक जैसा नहीं चलता है, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय पर मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, मैंने एजुकेशन का महत्व समझ लिया। जब मैं लिखता था ना, तो लिखते वक्त मैंने पूरा ट्रेनिंग और एजुकेशन का पूरा इंपॉर्टेंस समझ लिया था। और मेरा एक ही कोशिश था, हर एक व्यक्ति को एजुकेट करने के लिए मदद करो, हर एक व्यक्ति को एजुकेट करने के लिए मदद करो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। और हमने कोशिश किया था, लेकिन क्या होता है ना, हमारे साथ ही जो बच्चे हमारे साथ ही आगे बढ़ जाते हैं, वो कभी कभी आपको पूरा पॉसिबिलिटी या आपको पूरा क्या बोलते हैं, हम एक्सेप्ट करते नहीं है। कितने लोग मानते हैं? यस है लोग, आपके साथ जो आज है, आपके साथ जो आज है, वो कल जाके आपके साथ ही रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा खुश भी मत होना, ज्यादा खुश भी मत होना और ज्यादा दुखी भी मत होना। जिसको जैसा ही न्यूट्रल देखते जाओ और आगे बढ़ो। मैंने दुनिया में ही सोचा था कि एजुकेशन के ऊपर काम करूं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो मैंने सोचा जो बंदा चाहता है उसके पास पहुंचाऊंगा और उसको मदद करूंगा, क्योंकि अंदर पैशन था सिखाने का।
अंदर पैशन था और इसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग अभी कुछ ना कुछ नाम लेते हैं अच्छा ट्रेनर करके। ये सब लोग हर प्रॉब्लम के ऊपर आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, तो आप देख सकते हो आपका मंत्र होना चाहिए सक्सेस का। कितने लोग तैयार है एम्बेसडर बनने के लिए? ये बेसिक है। प्रोफेशनली अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए, बड़ा सपना देखिए, छोटा की बड़ा बड़ा बड़ा। मैं तो बोलता हूँ आज क्राउन एम्बेसडर का तारीख रख दीजिए, आज डेट को फिक्स कर दीजिए ना। कर सकते नहीं कर सकते? क्राउन एम्बेसडर जाना है तो आपका एक डेट फिक्स कर दीजिए। जो भी आप सपना आने वाले 3 साल 5 साल कहाँ जाना चाहते हैं, लोगों की क्या बनाना है लिस्ट, ये लिस्ट है। और उसके बाद क्या करना है? आमंत्रित करना सीखिए और इनको भी सिखाइए, प्लान शो करिए और प्लान शो करना सिखाइए, फॉलो अप लीजिए और क्लोजिंग करके फॉलो अप करना शुरू कर दीजिए। ये सक्सेस का मंत्र है और इसके अंदर सबसे पावरफुल बात है, क्या लिखा है? आवाज दे दो, खाओ ऐसा मेरे साथ, खाना है, खाना है, खिलाना है, खिलाना है, बताना है, बताना है और पैसा कमाना है। फिर एक बार, खाना है, खाना है, खिलाना है, बताना है, बताना है और पैसा कमाना है। दूसरा कोई नहीं है आज के लिए, खाना है, खिलाना है, बताना है, पैसा। और अभी तो कम्बुच आया है तो पीना है, खिलाना है, बताना है, पैसा कमाना है, कमाना है यार। जोरदार क्या सबने सबने। और जैसे मैं वन बोलूंगा, क्या बोलूंगा? मैं वन बोलूंगा शुरू हो जाना है, और फिर टू बोलूंगा तो उल्टा घूमना है। क्या कहते हैं आपको? सिर्फ ऐसा उल्टा घूमना है और इनका मसाज करना है। देखते हैं अभी, हाँ कमोन वन 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 ही बोल रहा हो। हाँ पूरा मजा है। जरा
की तो लेडीज खूप कमी आहेत हा हॉल मध्ये. आणि महाराष्ट्र नंबर वर जर करायचं असेल तर मुझे ऐसा लगता है की सिर्फ क्या चाहिए लेडीज की कमी बरोबर आहे. सहमत आहे सगळं. लेडीज पॉवर आवाज निघाला पाहिजे. मी डीएसएल म्हणेन तुम्ही नंबर वन म्हणायचं म्हणणार. डीएक्सएल नंबर वन. डीएक्सएल नंबर वन. झरो आवाज आला पाहिजे. आपण असं नंबर वन झालं नाही. विशाखा मॅडम तुमचा आवाज लेडीजनी बोलणार. सगळ्यांनी तिथे जरा अभ्यास केला तिथे युथ जास्त आहे. जी युथ मुलं आहेत जी 20, 21, 22 वर्षाची मुलं 20 वर्षांची मुलं सुद्धा डीएक्सएल खूप चांगलं करतात. जी मला वाटते महाराष्ट्रात एक छोटीशी कमी आहे की युथ खूप कमी आहे. हॉल मध्ये तर नाहीला बरोबर आहे. बरोबर आहे. तर आपण तिथे थोडं काम केलं पाहिजे. आणि अजून एक गोष्ट महत्वाची तिथे शिकायला मिळाली. प्रॉस्पेक्टिंग नेहमी सवेरा सर एक सांगतात. बिझनेस जर करायचं असेल ना ते मारवाडी येतून गुजराती तर ते काय म्हणतात लाजायचं नाही. निर्लज्जम सदा सुखी असं राहिलं तर 100% तुमचा बिझनेस होणार. आणि जेवढं आपण ऑब्झर्व करते मी आपली लोक बोलायला लाजतात किंवा निर्लज्ज बनून बिझनेसच करत नाही. अक्षरशः कोणाला पण रस्त्यावरती सांगायला सुद्धा लाजलं नाही पाहिजे तेव्हा जाऊन महाराष्ट्र एक नंबर होईल. आणि आम्ही तिथे बघितलं की आमच्या बरोबर एक सरोज कुमार म्हणून 27 वर्षाचा मुलगा आहे जो आता चांगला ट्रिपल डायमंड कतारचा सगळ्यात मोठा लीडर आहे. जेवढी पण मीटिंग झाल्या तेवढ्या सगळ्या मीटिंग मध्ये त्याचीच लोक होती. आणि विशेष म्हणजे तिथं अशा आता जशी हॉलमध्ये थोड्याशा लेडीज आहेत तसं त्या मोठ्या 2-3 हजारच्या हॉलमध्ये एवढ्याच लेडीज होत्या पण सगळ्या बुरखा घालून. तर मला ते ऑब्झर्वेशन तुम्हाला सांगायचं आहे की आपल्याला बुरखा नाहीये म्हणजे लिटरली म्हणजे आपले इंडियात पण मॉमेडियन लोक आहेत आणि आपल्या सगळी इथं पण भरपूर लोक असतील. आपल्या आहेत सिद्दीकी मॅडम वगैरे सगळे ते एवढं पॅक नाही ना. आपल्याकडे एवढं आहे का स्वातंत्र्य कितीतरी फ्रीडम आपल्याला ऑलरेडी जगण्यासाठी दिलेलं आहे. तिथे एक लेडीज आली ती तिचं टेस्टिमोनियल सांगत होती स्टेजवर. तुमच्या इतक्याच लेडीज तिथं असतील हॉलमध्ये आता कारण की तिथे लेडीजला फ्रीडम नाही तेवढ्या इझिली ते बिझनेस करू शकत नाही. आपण खूप भाग्यवान आहे आपण महाराष्ट्रात राहतो आणि इंडियाचे लोक आहे आपण. आपल्याला इथे कोणत्याही कोणती कपडे घालायची काय घालायची याच्यावर बंधन नाही. तिथं त्या लेडीजला जेव्हा माहीत दिला तिचे हे हँड ग्लोव्ह सगळं ब्लॅक पूर्ण खालून वरतीपर्यंत सगळं ब्लॅक आणि एवढे छोटेसे डोळे दिसत होते बोलताना ते सुद्धा तिने असे झाकले. तुम्ही विचार करा असं असताना सुद्धा आज तिचं बोनस 48 लाख रुपये आहे आणि ती डबल क्राउन डायमंड आहे. काहीतरी तिचं 48 लाख. हा मला तर ते नाव विसरले ते अरेबिक काहीतरी नाव आहे ते मला माहित नाही पण जीजी सरांनी सांगितलं नाही तिथे होती ती. तर असे बोनस घेणाऱ्या लेडीज आहेत ज्यांना एवढं म्हणजे बंधन आहे तर आपण भरपूर काय काय करू शकतो. आणि मला खरंच अपेक्षा आहे आज रफिक सरांनी थोडक्यात म्हणतात ना की 2-3 वर्षांनंतर एक आपल्याला एक चांगली मीटिंगची गरज होती आणि आज ती मिळाली. सारे लीडर्स है इनको क्या सक्सेस स्टोरी की जरूरत नहीं है सबको पता है सक्सेस स्टोरी. लेकिन आज जो मेन चाहिए था कि एक इंजेक्शन चाहिए था सबको कि अभी बहुत दिनों से मतलब कोरोना के बाद हम सब मिले हैं और बहुत बिजनेस डाउन कब आया पता है. कोरोना में नहीं आया है. कोरोना में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था महाराष्ट्र का. स्पेशली महाराष्ट्र में सारे डॉक्टर लोग हैं बहुत बिजनेस किया सबने इम्यूनिटी सिखाया सबने प्रोडक्ट सेल किए. लेकिन जो आदत लोगों को लगी कि घर से बाहर नहीं जाना है इसकी वजह से महाराष्ट्र का बिजनेस कम हुआ है. मुझे ऐसा लगता है हमारे पास फ्रीडम है और मुझे लगता है कि इस बार नारी कुछ कर सकती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग पे ध्यान देना है और घर घर कैसे डीएक्सएल पहुंचाना है. और रवि सर ने जो बोला है उतना भी करें. हम सारे लीडर्स हैं हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी टीम है. अगर रफिक सर ने जो बोला है डायमंड का जो क्राइटेरिया बताया है उन्होंने क्वालिफिकेशन का अगर वो भी हम घर से भी मैनेज कर लेना कि उतना लोग उस टीम में होना चाहिए उतने क्वालिफायर्स आने चाहिए तो मुझे नहीं लगता किसी भी नए आदमी को जोड़ने की भी जरूरत लगेगी क्योंकि हर एक यहाँ पे जो बेटा है उनके डाउनलाइन में उतने लोग है. मुझे इतना पता है एफओडी के लिए आप क्राइटेरिया देखो 40 नए ज्वाइनिंग मतलब आपके पास उतने लोग हैं. 70 लोगों का टीम मिनिमम सबके पास है. अगर हम उन्हीं लोगों से काम करवा के ले सकते
तो मुझे लगता है 2 सालों में ये महाराष्ट्र का पूरा जो पिक्चर है ये चेंज हो जाएगा। और मैं इतना बोल के प्रवीण सर को देने वाली हूँ, लेकिन मुझे बहुत मतलब बुरा लग रहा है क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जब देखते हैं महाराष्ट्र की पावर सबसे ज्यादा है, यहाँ पे 3 क्राउन एम्बेसिडर, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो सारे क्राउन एम्बेसिडर वहां पे मिलते हैं, सबके बोनस 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे बोनस होते हैं। मतलब सच में इतने बोनस मैंने वो सुन के भी मुझे मतलब बुरा भी लगता है कि हम यंग है, हमारी अभी एज है कि हम उतना कर सकते हैं काम, तो जरूर हम सभी ने अगर इतने भी लीडर्स है सबने अगर ये ठान लिया ना कि हमें कुछ करना है, और रफीक सर ने जो बोला है ना उस क्राइटेरिया पे एक एक डायमंड अगर क्वालिफाई होने लगा ना, मुझे नहीं लगता 2 साल की जरूरत है, 6 महीने में महाराष्ट्र 1 नंबर आ सकता है।